अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी हैप्पी लवली मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जनाब कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक? आई होप यू ऑल आर फाइन, इज़न्ट इट? सी यस, अल्हम्दुलिल्लाह, वी ऑल आर फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह, वेरी नाइस। तो ये बताइए कि भाई क्या कर रहे हैं आजकल हम? तो रिवीजन और अपना रेगुलर वर्क साथ साथ कर रहे हैं, है ना? हाँ, क्योंकि भाई ये बहुत छोटे छोटे से बच्चे मेरे सामने बैठे हुए हैं, अगर मैं इन्हें रिवीजन बार बार नहीं करवाऊंगी तो क्या होगा भाई, ये सब कुछ भूल जाएंगे। इसलिए बार बार रिवीजन करना ज़रूरी होता है ताकि हम जो भी अपनी क्लास में पढ़ें वो हमेशा हमें याद रहे, है ना? और रिवीजन करने में तो कितना मज़ा आता है, सारे बच्चों को सब कुछ पता होता है, जो टीचर पढ़ाने वाली होती हैं आप लोग को पता होता है ना, यही तो मज़ा आता है इसी तरीके से। चलें भाई, आज हम क्या रिवाइज करेंगे? इसके लिए तो आपको बुक्स खोलनी पड़ेंगी। भाई मैं भी अपनी बुक खोल रही हूँ, आप लोग भी अपनी बुक खोल लीजिए। वेरी गुड, ओपन पेज नंबर 54, वेरी नाइस। ये देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास। सबसे पहले काम हम क्या करते हैं, ये तो सारे बच्चों को पता है ना, डेट डालते हैं। मगर यहाँ पर आप लोग डेट डाल चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आइकन्स देखेंगे। तो आइकन्स में ये कौन सा आइकन है हमारे पास? सबको पता है ये फिंगर हमें क्या कहती है, रीड। वेरी नाइस, से विद मी, रीड, वेरी गुड। और जब ये कैट आ जाती है तब हमें क्या करना होता है भाई, जल्दी से बता दीजिए, कलरिंग करनी होती है। वेरी गुड भाई, सबको कलरिंग से आइकन्स अच्छे से याद हो गए हैं, है ना? वेरी नाइस। अच्छा ये बताइए कि भाई यहाँ पर तो मुझे कुछ पिक्चर्स नज़र आ रही हैं। अच्छा ये तमाम पिक्चर्स कौन सी पिक्चर्स हैं, ये हमने पढ़ा है, याद आया आप लोगों को ये तमाम पिक्चर्स कौन सी हैं? शेप्स के पिक्चर्स हैं, एग्जैक्टली, ये शेप्स हैं। अच्छा ये कौन से शेप्स हैं? ये बताइए कि ये जो है ये हमारे पास कौन सा शेप है? अच्छा ये है क्या, ये कबर्ड है ना, छोटा कबर्ड है। अच्छा इसका शेप कौन सा है, क्यूबॉइड, वेरी गुड। क्या शेप है ये, क्यूबॉइड, वेरी नाइस, क्यूबॉइड। अच्छा ये कौन सी क्या चीज़ है भाई, ये डस्टबिन है। और डस्टबिन का शेप कौन सा होता है, सिलेंडर, से विद मी, सिलेंडर, वेरी गुड, सिलेंडर, वेरी नाइस। अच्छा ये बताइए कि क्यूबॉइड, सिलेंडर, ये कौन से शेप हैं? क्या ये फ्लैट शेप है? नहीं, वेरी गुड। अच्छा ये कौन से शेप हैं, ये सॉलिड शेप हैं, वेरी नाइस, दीज आर सॉलिड शेप्स। कौन से शेप हैं, सॉलिड शेप्स, वेरी गुड। सॉलिड शेप कौन से होते हैं, यानी वो शेप्स होते हैं जिनकी एग्जांपल्स अल्लाह ताला ने बनाकर हमें दी हैं, जो नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं, जो नेचुरली हमारे पास एग्जांपल्स मौजूद हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सॉलिड शेप्स, वेरी गुड। अच्छा ये बताइए कि ये कौन सा शेप है, ये क्या है, कैंडल है। और कैंडल का कौन सा शेप है, पायरामिड। कौन सा शेप है, पायरामिड, वेरी गुड। अच्छा ये बताइए व्हाट इज दिस, दिस इज अ डाइस। क्या है ये, डाइस है। और ये डाइस कौन से शेप में होता है, आप लोगों ने देखा है ना, हाँ लूडो खेलते हैं हम इससे, याद आ गया आप लोगों को, इस डाइस से हम क्या कहते हैं, लूडो खेलते हैं। और जो भी नंबर आता है हम उस पर क्या करते हैं, अपनी गोट को आगे बढ़ाते हैं, हाँ कितने मज़ा आता है ना लूडो खेलने में। तो ये डाइस हमें कहाँ काम आता है, लूडो खेलने में, ठीक है। अब ये बताइए भाई इसका शेप कौन सा है, क्यूब, वेरी गुड, क्यूब, वेरी नाइस। अच्छा ये बताइए व्हाट इज़ दिस, ये क्या चीज़ है भाई,
ऑरेंज। और ऑरेंज का शेप कौन सा है? स्फीयर। वेरी नाइस, स्फीयर। से विद मी, स्फीयर। वेरी गुड। चलें एक दफा और रीड करते हैं। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड। सिलेंडर, सिलेंडर। पायरामिड, पायरामिड। क्यूब, क्यूब। वेरी गुड। स्फीयर, स्फीयर, स्फीयर। वेरी नाइस। तो जनाब भाई देखें हमने क्या डिस्कस किया आज, सॉलिड शेप्स। क्या डिस्कस किया? सॉलिड शेप्स। अब इन तमाम शेप्स के आपको नाम अच्छे से याद हो गए। वेरी गुड। अब आप क्या करेंगे, इन पिक्चर्स में अच्छी सी कलरिंग करेंगे, मगर कलरिंग आप लोग पहले कर चुके हैं। तो अब आप क्या करेंगे, टीचर के साथ इन सॉलिड शेप्स के नेम डिस्कस करेंगे, नेम्स अच्छे तरीके से याद करेंगे, ठीक है? और क्या करेंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।